बिहार दिवस समारोह में शामिल होने आए कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे बीमार हैं, वोमिटिंग की शिकायत के बाद इन्हें भर्ती कराया गया है गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में। इनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों अधिकारियों की टीम निगरानी कर रही है। तो बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चे आए थे और इन बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, वोमिटिंग की शिकायत थी, जिसके बाद से इनको इलाज दिया जा रहा है गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में ही इलाज चल रहा है। डॉक्टरों और अधिकारियों की टीम निगरानी इनकी कर रही है। तो कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है और ये बच्चे बिहार दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शामिल होने के लिए आए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस मेडिकल कैंप में इनका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टरों और अधिकारियों की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है। तो खबर पटना से, जहाँ बिहार दिवस समारोह में शामिल होने आए कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं, वोमिटिंग की शिकायत, तो और इसके बाद से इनका इलाज कराया जा रहा है गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में। इनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों अधिकारियों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, बच्चे बिहार दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, तबीयत कैसे खराब हो गई, क्या कुछ अपडेट? देखिए राहुल, जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि आज सुबह से या कुछ बच्चे में कल रात से ही वोमिटिंग की टेंडेंसी लगातार हो रही थी। तो इस बात की शिकायत जो उनके साथ जो आए हुए हैं ऑब्जर्वर, उन्होंने इस बात की शिकायत जिला प्रशासन से की। उसके बाद बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। तत्काल उनमें से कई बच्चों को अभी गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में भर्ती कराया गया है। अभी अभी जो मेरे पास थोड़ी देर पहले जानकारी आई है, कई बच्चे को पीएमसी भेजा गया है। उन कई बच्चों में वोमिटिंग और कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, दोनों शिकायत है। तो फिलहाल जिन लोगों में दोनों शिकायत है उनको पीएमसी भेजा गया है। जिनमें सिर्फ वोमिटिंग है, उनको वोमिटिंग की शिकायत है, उनको गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में इनका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर अधिकारियों की टीम लगी हुई है। हमारी बातचीत हुई है अधिकारियों, उनका कहना है कि सभी बच्चे हालांकि खतरे से बाहर हैं। जो प्रारंभिक सूचना डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है अधिकारियों को, यह हीट वेव बड़ा कारण आ रहा है, क्योंकि दिन में ये सुबह में चले विभिन्न जिलों से, तो दिन भर वो हीट वेव में रहे, बसे में रहे, कई ऐसी बसे हैं जो एसी बसे नहीं थी। और जब पटना, जब वो गांधी मैदान आए तो चूंकि पटना के भी का भी टेम्परेचर लगभग 30-40 के आसपास था, तो हीट वेव के कारण उनकी तबियत खराब हो जाए। हालांकि अब पूरे मामले में जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दिया है और बच्चे अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर चिंता वाली खबर है कि आखिर बच्चों की तबियत खराब होने का मूल कारण क्या है। इसकी जांच तो बाद में होगी, लेकिन फिलहाल सभी का इलाज पीएमसीएच में और गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में कराया जा रहा है। यहाँ अधिकारियों ने हमें बताया है कि उनकी तबियत अच्छी है, उनकी तबियत स्थिर है और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, खतरे से बाहर है। लेकिन दो चार ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों प्रॉब्लम का, डिहाइड्रेशन के साथ उनको भविष्य की, उनको तत्काल फेंसेट में शिफ्ट कर दिया गया। मरगूब, संख्या करीब इनकी कितनी है, कहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं, किस जिले जगह से? संख्या के बारे में तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी वो जानकारी है कि लगभग 30-35 बच्चे यहाँ गांधी मैदान के मेडिकल कैंप में है और कुछ बच्चों को पीएमसी भेजा गया है। ये सभी जिलों से आए हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, सीमांचल के जिले हैं, सहरसा है, मधेपुरा है, बेगूसराय है, बक्सर है, आरा है, सभी जिलों से क्या है। उनकी तादाद कहीं से 15 है, कहीं से 10 है, कहीं से 20 है, तो इस तरह से बच्चे आए हैं। हालांकि डॉक्टर की टीम लगी हुई है, मेडिकल बोर्ड भी बैठाया गया है, अधिकारी की टीम भी लगी हुई है और उनका कहना है कि खतरे से बाहर है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन तबियत जो खराब हुई है, ये अपने आप में बड़ा चिंता की, तबियत खराब हो कैसे गई। फिलहाल पूरे मामले में स्वास्थ्य के भी अधिकारियों की को सूचित किया गया है और मेडिकल की टीम पूरे मामले की जांच भी कर रही है और उनका इलाज कराया जा रहा है। सभी की हालत स्थिर है और सभी खबरें से बाहर। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।